अंजनाओं कश्यप के चरण पर चलता हुआ हल्लाबोल। हल्लाबोल पर कुछ साधु आकर बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में। कुछ साधु बोल रहे थे ये देश धर्म प्रधान देश है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ये देश कृषि प्रधान देश है। किसानों की बात साधु नहीं कर रहे थे, साधु चिंता कर रहे हैं राम मंदिर के क्यों नहीं बना। ये कौन से साधु हैं, ये कौन से साधु हैं जो लेके आए जाते हैं, चरणों पर बिठाए जाते हैं? क्या इन साधुओं ने कभी गंगा की रक्षा की और गंगा की सफाई की बात की? इन साधुओं ने कभी मंदिर के अलावा गंगा के किनारे मरने वाले उस व्यक्ति की बात की जो गंगा की सफाई को लेकर के मर गया? शर्म आनी चाहिए ऐसे साधुओं को। मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश को साधु चलाएंगे जो अनपढ़ हैं, या वो चलाएंगे जो साइंटिस्ट हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं? अगर देश उन्हीं को चलाना है तो फिर ये लोकतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश में। मोदी की यही तो रणनीति है, धर्म का चेहरा आगे करके वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस बार वो हारने वाले हैं चुनावों में बहुत बुरी तरह से। जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है वो इनको वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश के साथ बहुत धोखे किए हैं। आज राम मंदिर पर चर्चा तो हो रही है, वहां यह भी बात चल रही है कि साहब राम मंदिर कब बनेगा, ये लाओ वो लाओ फलाना लाओ ढिमकाना लाओ। लेकिन एक इस बीच एक चेहरा सामने आया राहुल गांधी का, एक ऐसा चेहरा जो शायद आप और हम जैसे हिंदू ही कर सकते हैं। मैं अपने आप को हिंदू मानने में मुझे गर्व होता है, क्योंकि हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, उसके अंदर विराटता है, सनातन विराट होता है। आपने भी सुनी होगी कभी दुर्गा अष्टमी की जब किताबों में आप पाठ करते होंगे तो आपने सुना होगा एक ऋषि का आश्रम जहां सिंह बैल और सब प्यार से रहते थे मनुष्यों के साथ। यह है भारत की संस्कृति, जहां हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जानवरों को प्यार किया जाता है, दुलारा जाता है, प्यार से रखा जाता है। लेकिन एक बाघिन अवनि को, जिस पर आरोप था 14 प्राणियों को मारने का, उसको मार दिया गया, उसको बेहोश करके रखा जा सकता था। एक ही रिपोर्ट देख लीजिए थिंक फास्ट की, जो हम आपके लिए लेके आए हैं थिंक फास्ट चैनल की, ये देख लीजिए। सवाल उठाए थे तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि किसी देश की महानता इस बात से मापी जाती है कि वहां जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। देश में बाघों को बचाने के लिए एक तरफ सेफ टाइगर के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, हर तरफ बाघों को बचाने की मुहिम छिड़ी है। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बाघों को बचाने की मुहिम से इत्तेफाक नहीं रखती, तभी तो सरकार और वन विभाग के ऑर्डर के बाद एक बाघिन को मार दिया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में विभाग के संरक्षण में चल रहे अभियान के तहत शार्प शूटर्स की टीम ने 6 साल की बाघिन अवनि को गोली मार दी। आरोप था कि अवनि ने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया। वही शुक्रवार को बाघिन को जिस तरह से मारा गया उससे पशु प्रेमी खासा नाराज हैं। अभी राजनेता भी अवनि के मारे जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसी देश की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह जानवरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। महात्मा गांधी। बाघिन की मौत पर न सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं बल्कि मोदी सरकार में मंत्री मेनका गांधी ने भी सवाल उठाए थे। शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद दोस्तों आपके दिल में कुछ सवाल उठे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की चाची उन्हीं के जैसे बात कर रही थी। ये संवेदनशील मुद्दा है, हो सकता है कि लोग लाइक ना करें, शेयर भी ना करें इस चीज को, लेकिन संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जानवर चाहे गाय हो, चाहे बाघिन हो, चाहे एक छोटा सा बकरी हो, चाहे एक भेड़ हो, जब यहां पर चर्चा छिड़ सकती है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि साहब ईद पर बलि नहीं दी जाएगी बकरों की, उस पर रोक लग सकती है, तो बाघिन को क्यों मार दिया गया, किस लिए मार दिया गया, क्यों मार दिया गया, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? कहां सो गया था वो हिंदुत्व जो अहिंसा की दुहाई देता है? कहां सो गया था वो हिंदू जो अहिंसा की दुहाई देता है? कहां सो गई थी वो हिंदू की सरकार जो अहिंसा की दुहाई देती है? इस बाघिन की मौत पर कोई अफसोस नहीं किसी को, मार दिया गया, उसको बेहोश करके चिड़ियाघर में रखा जा सकता था, मार दिया गया बिना किसी कसूर के, कोई कसूर नहीं था उसका। ये रिपोर्ट कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से भी जुड़ी हुई है।
और आप और हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हुई है दोस्तों।